देश की कीमती कंपनी क्यों बेची जा रही है। आज ही से दो दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी कंपनियों की एसेट्स बेचना ही पड़ेगा और तभी जाकर के 2,05,000 करोड़ तैयार इकट्ठे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो घाटे में चली गई है सरकार, उस घाटा को पूरा करने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, और कल को अगर किसान घाटे में चला जाएगा क्या उद्योगपति उनकी जमीन छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे। आज पूछिए, पूरे किसानों का धान लूट लिया गया, 1100 1200 900 रुपए में खरीद लिया गया, कहीं एमएसपी नहीं मिली। अभी खेतों में खड़ी है सरसों। हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो सरकारी एमएसपी तय है, क्या वो एमएसपी किसानों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी सरसों की। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब तो डीजल पेट्रोल कई हिस्सों में देश के 100 के ऊपर पहुंच गया है, 100 के करीब आ गया है, और वही जो गरीबों को सिलेंडर दिया था फ्री दे करके, और आज 1,000 रुपया वसूल रहे हैं ये लोग। फ्री का सपना दिखाया और आज 1,000 रुपया लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो मुनाफा हो रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है। और याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जहां महंगाई बढ़ रही है, खेती बर्बाद हो रही है, उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता को, कहा कि उनकी सरकार आएगी तो इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ लखनऊ में, जनता को उम्मीद जगी कि शायद इस इन्वेस्टमेंट से उनका भला हो जाएगा। नौजवानों को भी लगा कि उन्हें काम, नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। लगभग 5 लाख का एमओयू हुआ, सरकार ने 5 लाख का एमओयू किया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया। डिफेंस कॉरिडोर बनाने का सपना दिखाया, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर कुछ नहीं आया। तो हम कैसे भरोसा कर लें भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने नोटबंदी करके हमारे उद्योग कारखाने सबको बंद कर दिया। थोड़े बहुत नोटबंदी में बंद हुए, कुछ जीएसटी में बंद हो गए, और रहे बचे कारोबार कोविड के बहाने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, पूरा का पूरा उद्योग खत्म हो गया। बताओ हमारे मध्यम वर्ग के लोगों की क्या हालत है आज। महंगाई के मारे वो सोच रहे हैं शहरों में रहते हुए कि हम खाएं क्या और बचाएं क्या। इस महंगाई ने हमारा आज खराब किया है, और जिस तरीके से हमारा रखा हुआ पैसा बैंकों में उसकी जो इंटरेस्ट कम की है, उससे हमारा भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। आप हिसाब किताब लगाइए, जब से बीजेपी आई है हमारा जो जमा पैसा था, जो हमें इंटरेस्ट मिलता था एफडी पर, कितने परसेंट नीचे चला गया, जो सरकार देती थी, बैंकें देती थी। और आज मैंने अखबार में पढ़ा, कहा कि बैंकों को बड़ा बैंक बनाई जाएगी और सीबीसी की गाइडलाइंस को खत्म कर दी जाएगा। सीबीसी से डरना नहीं चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो कहीं ना कहीं देखता है कि कोई निर्णय गलत तो नहीं हुआ, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं तो नहीं हुई। तो अगर सीबीसी खत्म कर रहे हैं, तो जो जिससे डर कहीं पाबंदी लग सकती थी, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों ऐसा फैसला ले रही है, जहां खुद की कमी ना पकड़ी जाए उसके लिए सीबीसी खत्म कर रहे हैं, और विपक्ष के लोगों के लिए ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं। मुझे याद है मिर्जापुर में फ्रांस के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर आए थे, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि वो सोलर प्लांट किसका लगाया हुआ था। वो सोलर प्लांट समाजवादी सरकार का लगाया हुआ था। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो दिल्ली से मेट्रो में एक कोरिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री बैठ करके नोएडा तक गए थे, वो भी मेट्रो समाजवादी सरकार की बनाई हुई थी। अभी कुछ दिन पहले आपने भदोही में देखा होगा, आपके उत्तर प्रदेश के हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं और अपने उद्घाटन का फिर उद्घाटन कर देते हैं, शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, एमओयू का एमओयू करते हैं। ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे, और उनकी भाषा का तो हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते।
हाल ही में जो भाषा उन्होंने बोली है, ये तो शायद कोई योगी नहीं बोल सकता। वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की आवाज उठाई जाती है। हमारी परंपराएं हैं, हमारे तमाम वहां पर ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। वहां पर सोचो, एक योगी मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि पलट कर मारेंगे, पटक करके मारेंगे, ठोक दो इनको। लाल टोपी जाने क्या घबराते हैं लाल टोपी से। मुझे लगता है कि कभी बचपन में लाल मिर्च खाली होगी, उसकी वजह से आज तक वो लाल से घबराते हैं। और ये लाल रंग जो टोपी का है, वो हमारे इमोशंस का रंग है। हमारे इमोशंस हैं, अगर हम खुश होते हैं तो देखते हैं हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हम गुस्से में होते हैं तब चेहरा लाल हो जाता है, हम दुखी बहुत ज्यादा रोए तब चेहरा लाल हो जाता है। हमारे इमोशंस हमारा ब्लड बताता है, और ब्लड ही ऐसी चीज है जिसमें हमारे आपके अंदर भेदभाव नहीं है। आपका रंग भी लाल, हमारे रंग भी लाल खून का, और हमारी क्रांति का भी रंग लाल है। हमने तो उनकी किसी रंग पे बात नहीं की। हम ये भी तो कह सकते हैं जिनके दिल काले हैं उनकी काली टोपी है, जिनके दिलों में नफरत है उनकी टोपी काली है। और ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मुद्दों से इसलिए राजनीति करती है क्योंकि अर्थव्यवस्था पे वो बहस नहीं करना चाहते हैं, बाजार पे बहस नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि किसान को बाजार के भाव पे छोड़ दिया, हमारा किसान मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति, उनका कारोबार नहीं चल पा रहा है। कोविड ने मारा, महंगाई ने, जीएसटी ने, इसलिए जानबूझ करके बहस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है, इसलिए हम मिर्जापुर सोनभद्र भदोही के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता से भी मदद मांगने आए हैं कि हमारी समाजवादियों की मदद करें। जो लोग कहते हैं कि पेट के बारे में कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने कि पेट में दर्द होता है, हम उन्हें एक ही सलाह देंगे, अगर उनका पेट बड़ा हो गया हो, पेट दर्द हो रहा हो, तो एक ही इलाज है, वो है साइकिल। साइकिल चलाओगे तो पेट भी कम हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। इससे अच्छा इलाज कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। अगर सपा की सरकार बनी